भिन्न भिन्न प्रदेशों से दरवाजे और उनका महत्व और उनके ऊपर क्या आर्ट और कला हुई है ये दर्शाती है। ये ताले हैं सर। संकेतिक रूप से मैं चाहूँगा कि आप वो चाबी इसमें डाल दें और इस प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन कीजिए। किलों के शहरों के दरवाजे जो कि एक टाइम में उनको प्रोटेक्ट करते थे लेकिन आज वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए। कुछ टाइम पहले आपने एक म्यूजियम एक्सपो में एक बात बोली थी सर, हर घर में एक म्यूजियम छुपा है। सो सर ये वही कहानी है। व्यापार के दरवाजे हैं जो कि भारत में आज स्ट्रीट आर्ट के रूप में हो गए हैं। ये एग्जीबिशन जो है वो टेंपल्स के ऊपर है और जो स्टार्टिंग हमारी जर्नी है वो है श्रद्धा से। अब हम आ गए हैं इन द नॉर्थ इंडियन टेम्पल जोन। एक्चुअली बहुत यूनिक टेम्पल्स हैं। वो है इंदौर के आर्टिस्ट का, वो स्क्रैप मेटल से काम करता है और उसने ये द्राविडियन स्टाइल का आइकॉनिक लक्ष्मण टेम्पल मॉडल बनाया है। नाउ दिस इज वन ऑफ द हमारी एलिमेंटल जोन। सो हमने पहला जो तत्व चूज किया है वो वायु है। वायु में आपके सारे पिलर्स एलिमेंट्स, आपकी वॉल्स, आपका जो स्टोन कार्विंग है, द्वारपाल, वो सब उसमें वायु एलिमेंट में आते हैं। और अब हम बढ़ गए हैं टू द टेम्पल्स ऑफ वेस्ट इंडिया विच यू विल सी आर मच मोर सॉफ्टर। यहाँ पर हम दो जो एलिमेंट्स हैं अग्नि और आकाश, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अगर कोई हम खोजे पूजा पद्धतियाँ और उसमें उपयोग में आने वाली चीजें, ये अपने आप में अलग म्यूजियम बन सकता है। भारत के सारे मंदिरों का एक फॉर्म लेकर और उस पर कैलीग्राफी से काम किया। ये ईस्ट इंडिया टेम्पल्स का जोन है। दक्षिण भारत के आर्किटेक्चर स्टाइल जो है टेम्पल स्टाइल टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया जिनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर आप अलग अलग मंदिरों का देख सकते। ये केरला की बावली है और बहुत ही खूबसूरत बावली है। इसका पानी, क्योंकि केरला का वहाँ पानी भी कुछ ऐसा है कि, और क्योंकि बावली में कभी रोशनी नहीं जा पाती तो इसका जो पानी है बावली का हमेशा आपको हरे रंग का मिलेगा, काई जम जाता है और वो काई अच्छी है कुछ हद तक। तो हमने यहाँ पर पूरा साइंस को एक्सप्लेन किया और शेप्स को एक्सप्लेन किया, कैसे रिंग रख के बीच में एक लकड़ी का उसके अंदर खड़ा करके उसको नीचे धकेला जाता था, फिर उसके ऊपर और ईंटें लगाई जाती थी ताकि दीवार अंदर को ना फंस जाए। इंडिया के बाग और बागीचे आर्टिस्ट को कैसे इंस्पायर करते हैं उस पर फोकस किया है इस एग्जीबिशन में। बेस टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने स्क्रैप मेटल से आर्टवर्क बनाया है। ये एक फिजिकल प्लस डिजिटल एक्सपीरियंस है जो आर्टिस्ट ने बनाया कि इंसान के पल्स के थ्रू अलग अलग कलर्स विल बी डिस्प्ले। एक आर्ट इंस्टीट्यूशन है जो एक यंग आर्टिस्ट अभिजन ने बनाया है, वो अपने सराउंडिंग में जो गार्डन एलिमेंट्स हैं उससे आर्टवर्क बनाते हैं।